ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को ऑटोडेस्क स्केचबुक का एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा, जिसे यूज करके आप लोग फुल एचडी में बैकग्राउंड को कटआउट कर पाओगे एंड कटआउट करने के बाद आप लोग उसे किसी भी बैकग्राउंड के अंदर लगाओगे तो बहुत ही अमेजिंग दिखेगा। तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखो इस ट्रिक को जानने के लिए। सो गाइस चलिए कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले नॉर्मल फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर इनपुट कर लीजिए। इनपुट करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि गाइस मैं आप लोगों को बताया आप लोग कैसे फुल एचडी में बैकग्राउंड को इरेज कर पाओगे, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। गाइस इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने से आप लोगों को पता चलेगा कैसे आप लोग ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर फुल एचडी में बैकग्राउंड को इरेज कर पाओगे। गाइस बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले लेयर वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद गाइस आप लोगों को नीचे बैकग्राउंड नाम का एक ऑप्शन दिख जाएगा और वहां पर एक छोटा सा आई का आइकन है, इसके अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद गाइस आप लोगों को टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर जाना है एंड गाइस यहां से टूल्स को ओपन कर लेना है और उसके बाद लाइब्रेरी के अंदर जाना है और ये जो ब्रश देख सकते हो आप लोग हार्ड इरेजर, इसके अंदर प्रेस करना है और सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो सेटिंग है उसको 98 या 97 रखना है। साइज को छोटा करके आप लोगों को दोनों फिंगर से जूम कर लेना है। आप गाइस आप लोगों को कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना है, ठीक है। सो मैं इरेज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। गाइस यहाँ पर और एक चीज़ जानना है, जैसे कि गलती हो जाता है तो उसे कैसे बैक करें, वीडियो को कम्प्लीटली देखो तभी आप लोगों को पता चलेगा। किसी भी स्टेप को मिस मत करना यार, नहीं तो फुल एचडी में बैकग्राउंड इरेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेता हूँ एंड कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड को इरेज करता हूँ, ठीक है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए वीडियो को, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। गाइस मान लो ऐसे कुछ गलती हो गया तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, नीचे यहाँ पर डॉट वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इस ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है और बैक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बाद में बैक करोगे तो नहीं होगा, पहले आप लोगों को धीरे धीरे देख लेना है एंड अच्छे तरीके से देखकर आप लोगों को इरेज करना है बैकग्राउंड को, ठीक है। सो मैं कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड को कर लेता हूँ इरेज एंड धीरे धीरे करता हूँ, ठीक है। आप लोग भी देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। आप लोग इस तरीके से बैकग्राउंड को फुल एचडी में इरेज कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता दिया कैसे आप लोग बैकग्राउंड को इरेज कर पाओगे। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। गाइस ऑटोडेस्क स्केचबुक एक पावरफुल एप्लीकेशन है एंड इससे आप लोग बहुत ही इजीली बैकग्राउंड को इरेज कर पाओगे, हर एक चीज़ कर पाओगे जो कि एक प्रोफेशनल एडिटिंग ऐप के अंदर होना चाहिए, ठीक है। गाइस इस ऐप के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता है। इसके ऊपर मैं हर एक दिन एक न्यू वीडियो बनाऊंगा एंड एक न्यू टूल्स के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा, ठीक है। आज के लिए तो इतना ही था गाइस। आप लोग धीरे धीरे इरेज कर लीजिएगा बैकग्राउंड को, मैं कर रहा हूँ जैसे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही था गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।